खबर 9 के विशेष चर्चा कार्यक्रम में हमारे संवाददाता सतीश सारस्वत ने बहुजन समाज पार्टी बसपा के भरतपुर जिला अध्यक्ष मोती सिंह से बात की। आइए देखते हैं इस बातचीत के कुछ मुख्य अंश। नमस्कार, मैं हूं सतीश सारस्वत। आप देख रहे हैं खबर 9 का विशेष चर्चा कार्यक्रम। मेरे साथ हैं बसपा के जिला अध्यक्ष मोती सिंह। जानते हैं उनसे कुछ खास बातें। मोती सिंह जी, राजस्थान की मौजूदा सरकार के 4.5 वर्ष पूरे हो रहे हैं, इस कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं? ये सरकार बिल्कुल विफल रही है। युवाओं को रोजगार नहीं दिया, न ही कहीं कोई नौकरियां भर्ती निकाली, और भर्तियां निकाली हैं तो उनमें पेपर लीक हुए। ये सरकार जरा अपने बचाने के लिए लगी रही है, विधायकों को बचाने के लगी रही है, और सरकार सबसे ज़्यादा पेपर राजस्थान सरकार जो गहलोत सरकार है वो 4.5 साल में कोई ऐसा उद्योग या फैक्ट्री नहीं खोली जिससे युवाओं को रोजगार मिले। अब सरकार जाने के टाइम पर अब ये बिजली फ्री दे रहे हैं, सिलेंडर फ्री दे रहे हैं, तो ये सरकार बिल्कुल फेल सरकार है। गहलोत सरकार सिर्फ कुर्सी बचाने के चक्कर में लगी हुई है। मोती सिंह जी, आपकी जो संकल्प यात्रा जो चल रही है राजस्थान के अंदर, इस संकल्प यात्रा को आप कैसे देखते हैं? बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में सर्जन हिताय सर्जन सुखाय एक संकल्प यात्रा है। ये समाज को जोड़ने के लिए, सर्व समाज युवाओं को जोड़ने के लिए, सर्व समाज के व्यक्तियों को जोड़ने के लिए बहुजन समाज पार्टी बड़े मजबूती के साथ में आने वाले 2023 में हम मजबूती के साथ बड़े पावर के साथ में हम उभरेंगे, और हम सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। सरकार हम बना के रहेंगे, क्योंकि हमारा जो फोकस है मात्र 200 सीटों हैं उसमें 60 सीटों पर हम जीतने का हमारा लक्ष्य रहेगा। हम बड़े ताकत के साथ में जो हमारी यात्रा है, हमारे जो माननीय राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद जी युवा हैं उनके साथ में रामजी गौतम साहब राज्यसभा सांसद जी हैं, अशोक सिद्धार्थ साहब हैं प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, पूरे राजस्थान की क्रीम जो टीम है समाज को जोड़ने का काम, और इससे समाज में बहुत ही अच्छा मैसेज आ रहा है और समाज BSP के साथ जुड़ रही है। मोती सिंह जी, आने वाले जो चुनाव आ रहे हैं आप अब, उसमें आपकी पार्टी की क्या रहेगी रणनीति? हमारी पार्टी की रणनीति है कि हम सर्व समाज जो हमारे रैली निकल रही है सर्व समाज के हित में हम काम करेंगे, और अब के जो गहलोत सरकार है इसने जो हमारे विधायक तोड़ने का काम किया, अब के गहलोत जी को मौका नहीं मिलेगा। गहलोत जी बिल्कुल फेल होंगे, और हमारे बिना BSP के बिना राजस्थान में सरकार नहीं बनेगी। हम बैलेंस और पावर के साथ में उभरने जा रहे हैं। सत्ता में आदरणीय बहन को मायावती जी ने आदेश दिया कि भाई आपकी सरकार बनेगी तो हम सरकार में भागीदारी रहेंगे, और हमारे जितने विधायक बनेंगे, पहली बार तो हमारे बगैर सरकार नहीं बनेगी। यदि सरकार अगर हम बोले तो हमारे हम जो विधायक जीत के आएंगे हम सरकार में भागीदारी निभाएंगे। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन मनीष शर्मा के साथ सतीश सारस्वत, खबर 9 न्यूज, भरतपुर।